हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल मियन किचन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ नान खटाई की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं। ये घर पर मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनती है और आप देख ही सकते हैं कि ये कितनी खस्ता बनी है और एकदम मुँह में खुल जाने वाली बनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नान खटाई बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बाउल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप देसी घी। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी की नान खटाई बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पाउडर शुगर। आप शक्कर को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और घी और शक्कर को हमें अच्छे से फेंट लेना है। इसे हमें अच्छा सा फ्लफी हो जाए जब तक फेंटना है। इसे फेंटने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इससे नान खटाई बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है और इसे फेंटते हुए मुझे पूरे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं एक कप मैदा और मैं इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर नमक। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच सूजी, 2 आधी चम्मच बेसन, 4 नान खटाई के थोड़े अच्छे टेस्ट के लिए हम इसमें डाल रहे हैं वेलिना एसेंस। आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब हमें इसे डो फॉर्म में लाना है, तो हम स्पैचुला हटा देते हैं और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करते हैं। हमें इसे गूंथना नहीं है, हमें इसे बस अच्छे से मिक्स करके इकट्ठा करना है। अगर आपको ये थोड़ा ड्राई लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध डाल सकते हैं या फिर आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। अब हम इसकी एक बॉल बनाकर देख रहे हैं। अगर इसमें क्रैक्स नहीं आते हैं तो मतलब मिक्सचर रेडी है। तो देखिए, इसमें हल्के से क्रैक्स आ रहे हैं, तो हम इसमें 1 चम्मच दूध डाल देते हैं। और बस अब हमें इसे इकट्ठा कर लेना है। तो नान खटाई का डो रेडी है और अब हम इसके लिए कढ़ाई रेडी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी है और यहाँ मैंने एक थाली ली है। इसमें मैं लगा रही हूँ सिल्वर पेपर, आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर हम लगा देते हैं घी। अब हम डो से नान खटाई बना लेते हैं। हमें नान खटाई छोटी ही बनानी है, क्योंकि बेक होने पे इसका साइज बड़ा हो जाता है। तो हमने यहाँ नान खटाई बना ली है और इतना डो बच गया है और इसे अब हम रख देते हैं थाली में। और इन नान खटाई को हमें थोड़ा दूरी पर ही रखना है, क्योंकि ये एक दूसरे से चिपक सकती है। अब मैं इन नान खटाई के ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लगा रही हूँ। आप चाहे तो कोई और सा ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं या फिर इसे बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं।
लेकिन ड्राई फ्रूट्स लगाने से नान खटाई बहुत ही अच्छी दिखती है। तो कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और अब हम नान खटाई की थाली इसमें रख देते हैं। मैंने कढ़ाई में कोई स्टैंड नहीं रखा है क्योंकि ये थाली इसमें फिक्स आ जाती है। अगर आप कोई छोटा बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो पहले कढ़ाई में स्टैंड रखिए या फिर आप कटोरी भी रख सकते हैं। और नान खटाई को हमें एकदम लो फ्लेम पे पकाना है, हमें इसे हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, नहीं तो नान खटाई जल सकती है। तो नान खटाई को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और नान खटाई का साइज़ बड़ा हो गया है, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी कच्ची लग रही है तो इसके लिए मैं इसे 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। नान खटाई ऊपर से थोड़ी सॉफ्ट लग सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी ये कच्ची है। जब ये हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तब ये अच्छे से पक जाएगी। तो नान खटाई को पकते हुए पूरे 15 मिनट हो गए हैं और देखिए नान खटाई हल्की सी ब्राउन हो गई है, लेकिन अगर अभी भी आप इसे ऊपर से टच करेंगे तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट लगेगी, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये खस्ता हो जाएगी। और कढ़ाई को हम वापस से ढक देते हैं ताकि ये ठंडी ना हो जाए, क्योंकि हमें वापस से बनानी है नान खटाई। और ये वाली नान खटाई को हम ठंडा होने देते हैं। तो नान खटाई ठंडी हो गई है और इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ऐसे ही हम दूसरी नान खटाई भी बेक होने के लिए रख देते हैं। और इन्हें भी हमें एकदम लो फ्लेम पे बेक कर लेना है। तो ये नान खटाई भी बन चुकी है और इन्हें भी हमें ठंडा होने देना है। तो नान खटाई बनकर रेडी है। आप इन्हें बनाकर किसी भी एयर टाइट डब्बे में रखकर 2 हफ्ते तक खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।